वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर एक रिटायर्ड सैनिक ने राजधानी में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल मृतक पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल वन रैंक वन पेंशन मुद्दे पर सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं थे, जिसके चलते रामकिशन और उनके कुछ साथी सोमवार से जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। लेकिन मांगों पर गौर नहीं किए जाने से नाराज रामकिशन ने खुदकुशी का फैसला लिया। आत्महत्या से पहले रामकिशन ने एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं अपने देश, मातृभूमि और जवानों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहा हूं। वही रामकिशन के छोटे बेटे ने बताया कि उसके पिता ने खुद इस बात की सूचना उसे फ़ोन पर दी थी। परिजनों की माने तो मंगलवार दोपहर रामकिशन अपने साथियों के साथ अपनी मांगों को लेकर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मिलने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने जहर खा लिया। आनंद फानन में रामकिशन को राम मनोही अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान रामकिशन की मौत हो गई। वहीं अब इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को लेकर सीधे मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट कर केजरीवाल ने कहा कि मोदी राज में किसान और जवान दोनों आत्महत्या कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने भिवानी जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। हाल ही में सरकार ने घोषणा की थी कि वन रैंक वन पेंशन को लागू कर दिया गया, लेकिन अब सवाल यह है कि जब वन रैंक वन पेंशन लागू हो गया है तो रामकिशन ने आत्महत्या क्यों की। देखते रहिए एडीबी लाइव।